07662352451 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश माँ चुनावी महादंगल के आगाज हो चुका है। यह चुनावी महादंगल माँ सियासी विषाद पर हर मोहरन का उतार दीनगा है। विंध्य के महादंगल के आमने सामने के तस्वीर लेके आए हैं। भाजपा और कांग्रेस के ये चुनावी महादंगल में सीधी लड़ाई है। आखिर केकर बनी सरकार, विंध्य माँ 30 सीटन पर के ऊपर है सारा दारोमदार। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के। ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी अपना पंचेन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह विंध्य महादंगल के। जहां तो यह विंध्य महादंगल के शुरुआत हम करी थे चित्रकूट विधानसभा से, जहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह गहरवार और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नीलांशु चतुर्वेदी। अगली विधानसभा है रैगांव, जहां से प्रतिमा बागरी का जो है भाजपा के द्वारा उतारा गया है, और वहीं कल्पना वर्मा का कांग्रेस से जो है टिकट दे के मैदान में उतारा गया है। अगली विधानसभा अहम विधानसभा के बारे में अपना से बात करी थे, जो ने माँ कड़ी टक्कर में निजाल लाई, वह अगली विधानसभा है गणेश सिंह के। गणेश सिंह सतना विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस विधानसभा से जो है बतौर प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। अगली विधानसभा है नागौद, यह एमा नागेंद्र सिंह का भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। रश्मि सिंह पटेल का कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। यादवेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा बागी हो चुका है, BSP में जा चुके हैं। आखिरकार का कुछ सियासी हालात हुई वह आवे वाला वक्त बताई। अगली विधानसभा में बेहद रोचक ही काहे कि वह विधानसभा मैहर आए। मैहर विधानसभा के कमोवेश स्थिति यह रही कि नारायण त्रिपाठी के इर्द गिर्द मैहर की राजनीति चल रही, लेकिन अब भाजपा के द्वारा श्रीकांत चतुर्वेदी का जो है उतारा गया है और धर्मेश घई का कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए के उतारा गया है। यह विधानसभा एक एहू खातिर खास ही कहे कि विंध्य जनता पार्टी अब मैदान में आएगी। नारायण त्रिपाठी के विंध्य जनता पार्टी किसान और गन्ना के किसान के रूप में उनका जो है चुनाव चिन्ह मिला है, वही में अब लड़ाई हो रही है। अगली विधानसभा सीट और एक अहम विधानसभा सीट जो मंत्री की विधानसभा सीट है अमरपाटन में भाजपा प्रत्याशी राम खिलावन पटेल हैं, ता उनके विरुद्ध जो है यह दंगल में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र कुमार सिंह है। बड़ी विधानसभा सीट है और एहू में लगभग सबके नजर रही। अब अगली विधानसभा सीट के बारे में अपना बताए थे, हमारे साथ चल रही तस्वीरों अपना देखो, विक्रम सिंह बिक्की ई वर्तमान में रामपुर बघेलान विधानसभा के विधायक रहे। अब इनका फिर से एक बे भरोसा जतावा गया है और भाजपा से प्रत्याशी विक्रम सिंह का बना बगा है और कांग्रेस से रमाशंकर प्यासी का जो है इनका उतारा गया है। अगली विधानसभा ही और एक अहम विधानसभा ही जोने पर लगभग सबके नजर रही और वह विधानसभा है सिरमौर। अब सतना खत्म, सतना के जिला के लगभग सारी विधानसभा हो गया। अब अपना का रीवा विधानसभा में ले चली थे, रीवा जिला के विधानसभा में, रीवा जिला में मऊगंज रीवा लगभग 8 विधानसभा होती है जोने में। अब अपना को बताए थे सिरमौर में लड़ाई जो है दिव्यराज सिंह जो भाजपा से प्रत्याशी हैं और दूसर कांग्रेस के प्रत्याशी राम गरीब कोल का बना बका है। हालांकि वह BSP एक कहा जाए ताकतवर रूप में उभर के सामने आ रही है। BD पांडे वहां नेतृत्व कह रहे हैं, BSP के टिकट मिल चुका है। तो आखिरकार यह मुकाबला कब में हुई एहू में सबके नजर रही। अब अगली विधानसभा में अपना चली थे सेवरिया, काफी हाई प्रोफाइल सीट थी सेवरिया के। लगभग 3 सालन से एक बड़ा मतलब कहा जाए एक बड़ा दंगल माना जा रहा, वहां अभय मिश्रा वर्सेस KP त्रिपाठी की यह दंगल लगातार जारी है और अंततः वह दंगल अब पूरी तरह से जो है साफ सुथरा हो गया है कि भाजपा से KP त्रिपाठी पर जो है भाजपा भरोसा जताया है तो वही थे। कांग्रेस से अभय मिश्रा टिकट लेके आए हैं। अब अगली विधानसभा अपना का एक अहम विधानसभा पर ले चले थे जोड़े के खूब चर्चा भय या विधानसभा के दौरान त्योथर विधानसभा, सिद्धार्थ तिवारी जे कबो पुरखई तिनकर जो है कांग्रेस के कहा जाए एक वजनदार परिवार माना जा रहा, लेकिन वो आपन परिवार के जो कहा जाए
परिवार कांग्रेस में जो रहा वह अब भाजपा में आ गया है और सिद्धार्थ तिवारी भाजपा से बतौर प्रत्याशी तोथर से चुनाव लड़ी है। कांग्रेस से इनके सामने हैं रमा शंकर सिंह पटेल। बड़ी एक हाई प्रोफाइल सीट रही, सबके नजर ही कि आखिरकार वह सीट में कहा हुई। अगली विधानसभा सीट मऊगंज है। यह मऊगंज विधानसभा सीट में प्रदीप पटेल के ऊपर भाजपा भरोसा जताई ही, तो सुखेंद्र सिंह बन्ना के ऊपर जो है कांग्रेस के रूप में जो है उनका मैदान में उतारा गया है। अगली विधानसभा है देवतलाव। गिरीश गौतम का जो है पार्टी उम्रदराज हुए के बाद मैदान में उतार दी, उनके सामने उन्हीं के भतीज पद्मेश गौतम कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगली विधानसभा अपना बताई थे वह अहम विधानसभा है जोने पर लगभग सबके नजर रही। कहे कि मनगमा विधानसभा में वर्तमान विधायक पंचूलाल प्रजापति की टिकट काट के इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति भाजपा से यह दंगल में उतार दीस, और कांग्रेस में बबीता साकेत के जो है यह दंगल में कांग्रेस के चिन्ह लेके उतरी है। हालांकि यह दिलचस्प मुकाबला हो के उम्मीद ही। अब अगली विधानसभा अपना का बताया दी जो विधानसभा पूरे लगभग रीवा जिला जोने में मऊगंजो शामिल है वह ऊपर निगाह जो है पूरे प्रदेश के रही। काहे कि यह एक बड़ी सीट है। रीवा विधानसभा सीट में राजेंद्र शुक्ला जो है भाजपा से उम्मीदवार हैं, तथा कांग्रेस से के जो है चुनाव चिन्ह से राजेंद्र शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। दुई राजेंद्रन के बीच ये पूरी लड़ाई है, और हालांकि लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही। अगली अब विधानसभा सीट के ओर अपना का ले चली थे, जहां अपना बचक बताया थी कि गुड़ विधानसभा में को भाजपा से नागेंद्र सिंह उम्रदराज नेता के इनके ऊपर टैग लगा है, और उनका प्रत्याशी भाजपा मतलब उन पर भरोसा जताई थी। तो वही कपिधर सिंह एक युवा चेहरा और बड़ा चेहरा का जो है कांग्रेस प्रत्याशी बनाए रही से, तब यूँ एक दिलचस्प मुकाबला देखे का मिली अपना का। हमारे साथ चल रही तस्वीर आमने सामने के अपना देखा, तो अब अगली आई गए सीधी जिला में अपना का ले आई थे। सीधी जिला में चुरहट विधानसभा। चुरहट विधानसभा उतनी खास ही कि सियासत में एक बेहद बड़ा दखल रखा थी चुरहट के। कहे कि चुरहट स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह के नाम से जानी जाती थी। चुरहट के सीट जो है स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज उन्हीं के वंशज आमने सामने हैं, जहां भाजपा सत्येंद्र तिवारी जो पूर्व विधायक मतलब क्षमा कर जो विधायक रहे उन्हीं पर फिर से भरोसा जताई थी। तो वहीं थे अजय सिंह राहुल कांग्रेस से बतौर प्रत्याशी हुआ मैदान में है। हालांकि बेहद दिलचस्प मुकाबला रही, और उम्मीद है कि पूरे मध्य प्रदेश के नजरिए चुरहट विधानसभा में जरूर रही। यह आम आदमी पार्टी जो है मैदान में ही, हालांकि माना यह जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणी हुई, लेकिन यह देखा चुनाव के अंत मुकाबला सीधे दो कोड़ी बची। हालांकि यह एक अनुमान है जो जनता के द्वारा दिए जाते हैं सूत्रण के द्वारा, वह हिसाब से हम अपना बताए रहे। नौ मेहनत तिन्हों पार्टी लगातार कह रही है। अब देखा दिलचस्प हुई कि आखिरकार जनता अपन जनमत के का दी थी। अब अगली विधानसभा की ओर बढ़ी थे, जो एक अहम विधानसभा है सीधी विधानसभा। सीधी विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है केदारनाथ शुक्ला, उनका टिकट भाजपा काट दी। ओके बाद काफी जो है बबालों काटिन और पार्टी का लेके कई अकबे कटघरा में पार्टी का खड़ा कह दी, लेकिन पार्टी के द्वारा जो यह सूची है काफी वक्त पहले आ गई रही, और ओ मां भाजपा के द्वारा रीति पाठक का सांसद रीति पाठक का जो है चुनावी मैदान में उतारा गया। ओहिन कह उनके अपोज मां कांग्रेस से ज्ञान सिंह चौहान का जो है कांग्रेस से टिकट दई के मैदान में उतारा गया है। वो अहम सीट आई है, अहम सीट से हम कही लाही कहे कि लगभग हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही, एक बड़ा मुकाबला कड़ा मुकाबला देखे का मिल सकता है ज्ञान सिंह चौहान पर। नया प्रयोग पार्टी के द्वारा किया गया है, छत्री कोटा में यह टिकट गई ही, जो लगभग यदि देखा जाए तो दुई दशकन से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण चुनाव कांग्रेस में मैदान में हो रहे, लेकिन यह एक नया प्रयोग है। निश्चित तौर पर आसान भी थी कांग्रेस और भाजपा अपने प्रयोग पर आसान भी थी। अब देखा दिलचस्प हुई कि आखिरकार यह मुकाबला मजीद हार का होती। अब अगली जो विधानसभा सीट थी, एक अहम विधानसभा सीट सिहावल। सिहावल विधानसभा सीट में पूर्व विधायक विश्वमित्र पाठक का जो है भाजपा टिकट दी सी, और अब मैदान में है। तो उनके सामने है विधायक कमलेश्वर पटेल, एक बड़ा ओबीसी चेहरा, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, और कमलनाथ के 15 महीने कार्यकाल में एक जिम्मेदार मंत्री, मतलब एक बड़ा मंत्रालय इनके हाथ में रहा। निश्चित तौर पर यहां लगभग हाई प्रोफाइल सीट में सबके नजर ऐसे रही। काहे कि यहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई अट्ठे अन्य मुद्दों पर चल रहे हैं। अब अगली विधानसभा सीट ले चली थी अपना का, जहां मुकाबला
कड़ा और बड़ा देखे का मिल सकत है। यह मुकाबला है चितरंगी विधानसभा सीट के, हम बताई लगे अपना का जौने माँ ई सिगरौली हम जिला पहुंच चुके हैं, जौने माँ चितरंगी में राधा सिंह भाजपा से बतौर प्रत्याशी मैदान में ही, तमानिक सिंह का कांग्रेस अपन प्रत्याशी बना के मैदान में उतारे ही। निश्चित तौर पर यह मुकाबला एक अहम मुकाबला माना जा रहा है। मानिक सिंह कहो न कहो जो है यह माना जाते कि मुकाबला में बढ़त बना सकत है, हालांकि अब अगले विधानसभा की ओर बढ़ी थे। और निश्चित तौर पर यह विधानसभा एक अहम विधानसभा है, यहू से एक विधायक रामलल्लू बैस के टिकट काट दिया गया है। सिगरौली विधानसभा में हम पहुंच चुके हैं जहां भाजपा के द्वारा राम निवास शाह पर भरोसा जतावा गया है, तो दूसरे ओर कांग्रेस के द्वारा रेणु शाह के ऊपर जो है भरोसा जतावा गया है। यह एक अहम सीट है जोने में एक कड़ा उभड़ा मुकाबला देखने का मिल सकता है। अब अगली सीट है देवसर। देवसर में विधायक के टिकट काट दिया गया है और नए व्यक्ति राजेंद्र मेश्राम का भाजपा जो है चुनावी मैदान में उतारी थी, तो उनके सामने वंशमणि प्रसाद वर्मा कांग्रेस के द्वारा जो है उन पर भरोसा जतावा गया है। अब अगली विधानसभा सीट की ओर चली थे जौने माँ एक अहम और कड़ा और बड़ा मुकाबला अपने का देखने को मिली धौनी। धौनी विधानसभा क्षेत्र में कुंवर सिंह टेकाम के ऊपर भाजपा के द्वारा अपन भरोसा जतावा गया है। उनके सामने ही कमलेश सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी बतौर जो है वो मैदान में हैं। और यह निश्चित तौर पर यह मुकाबला एक अहम मुकाबला ऐसे माना जा रहा है, कहे कि पिछले चुनाव में बहुत कम लगभग 5,000 से कम मतन से यह चुनाव में हार जीत भय रही, और यह माना जा रहा है कि यहूं दर की जो है यह खेल बड़ा हो सकत है। अब आ गए व्यवहारी माँ अपना समझिए कि यह एक बड़ी विधानसभा है जोने में शरद जुगलाल कोल के ऊपर जो है भाजपा भरोसा करी सी, वहीं के राम लखन सिंह के ऊपर कांग्रेस भरोसा करी सी। शरद कोल जो है ये एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और इनके बीच अब यह चुनाव माँ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब जयसिंह नगर 2023 के ये जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के द्वारा मनीषा सिंह का भाजपा से प्रत्याशी बना बगा है, तो नरेंद्र मरावी का जो है कांग्रेस से प्रत्याशी बना बगा है। यह एक बड़ी सीट ही और यह सीट लगभग जो ट्राइबल सीट है ये माँ भाजपा ये मान के चल रही है कि खतरों है और जो है थोकसास्त होगी, लेकिन अब हालांकि 17 नवंबर के मतदान होने के बाद ही पता चल पाई कि आखिरकार को भाग्य विधाता बन रहा है जनता के। अब अगली सीट के बारे में बात करी जैतपुर में जयसिंह मरावी भाजपा भरोसा जताई सी और इनका मैदान में उतार दी सी। उमा धुर्वे पर कांग्रेस भरोसा जताई सी और मैदान में उतार दी सी। अब अगली विधानसभा सीट अपना का अहम विधानसभा सीट में ले चली थी जौने माँ बड़ी लड़ाई देखने को मिली कोतमा माँ भाजपा जो है दिलीप जायसवाल पर भरोसा जताई ही, तो कांग्रेस जो है अपने विधायक सुनील सराफ का फिर से मौका दी सी और एक बढ़िया लड़ाई देखे का मुकाबला देखे का महादंगल देखे का मिली अपना का। अब अगली विधानसभा सीट ही अनूपपुर में भाजपा के द्वारा बिसाहू लाल सिंह का जो है मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस के द्वारा रमेश सिंह का मैदान में उतारा गया है। यह एक बड़ा जो है कहा जाए क्षेत्र है जहां लोगन के नजर रही ये विधानसभा सीट में, कहे कि मंत्री रहे राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त रहा मंत्री रहे, तो ऐसा माना जाता है कि बिसाहू लाल सिंह के सीट पर नजर सबके रही। अब अगली विधानसभा है पुष्पराजगढ़ में भाजपा के द्वारा हीरा सिंह मरकाम का टिकट दिया गया है, तो फुंदेलाल मार्को जो वर्तमान विधायक है उन्हें का फिर से कांग्रेस के द्वारा टिकट दे के मैदान में उतारा गया है। यह महादंगल एक अहम महादंगल माना जाता है, कांग्रेस ये माना थी कि यह महादंगल में हम विजयी भाव के आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जब तक परिणाम ना आ जाए तक को मतलब समझ सके थे कि यह महादंगल इतना आसान नहीं है। अगले विधानसभा अपने कल चली थे जहां मुकाबला कड़ा और बड़ा है बाधवगढ़ में शिवनारायण सिंह का भाजपा जो है विश्वास जताए के मैदान में उतारी सी, था सावित्री सिंह का कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है। अब अगली विधानसभा जौने माँ अपना पचे का बताऊ मानपुर या मंत्री जी के मतलब ये भाजपा के कार्यकाल में मंत्री रही मीना सिंह मांडवे जिनका भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारी सी, वही कहे तिलक राज सिंह पर कांग्रेस भरोसा जताए के उनका मैदान में उतारा गया है। निश्चित तौर पर यह जो विधानसभा है ये विधानसभा अपना पंचन का समझ में आएगा हुई कि 30 विधानसभा में दंगले भर नहीं महादंगल हुई। विंद के ये महादंगल पर पूरे प्रदेश की नजर रही, कहे कि विंद पिछली बे 30 सीटन में 24 सीटन पर भाजपा का विजय श्री दिवाए रहा, लेकिन इधर की कहा जात है कि नैया डगमगाए रही है, हालांकि नैया डगमगाए रही है कि कहा है वह 3 दिसंबर का पता चली, लेकिन महादंगल के आनंद ली
जैसा क्रिकेट मैच में भारत और पाकिस्तान के मैच होते हैं, लगभग पूरे विंध्य में जो टिकटन के बंटवारा भाजपा और कांग्रेस करी सी, निश्चित तौर पर एक महादंगल विंध्य में देखे का जरूर मिली। ता अब अपना आमने सामने कौ प्रत्याशी है उनसे सबसे रूबरू हो चुके हैं। यह खबर यदि अपना का अच्छी लाग हो तो या अन्य लोगन का भेज के यह खबर में उनका राय अवश्य मांगब। तो आप अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।